आपके अपने YouTube चैनल रागा साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जल्द ही हमारी क्या है अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट है। लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। ओके, तो इससे पहले मैंने आपको कक्षा 12वीं के हिंदी और अंग्रेजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए कि वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है। ओके, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो इसका मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए प्रश्न बैंक सॉल्यूशन का सहारा लेने वाला हूं। अगर आपके पास इसकी हार्ड बुक है, ओके दोस्तों, मतलब आपकी भौतिक रूप से आपके पास ये है, आपने मार्केट से ली है, तो आप उसको साथ में रखें। जो मैं आपको टिक लगवाते जाऊं उसे जरूर टिक लगा लीजिएगा। साथ ही आपको अगर टिक भी नहीं लगाना है बल्कि उसे तैयार भी करना है, मतलब याद भी करना है। ओके, अगर आपके पास नहीं है अगर प्रश्न बैंक सॉल्यूशन, ओके, तो आप क्या है अपनी वेबसाइट से जाकर उसे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करना है डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो की लिंक दी है, तो उस वीडियो को देखें और जाकर वेबसाइट से कक्षा 12वीं के सभी विषय का प्रश्न बैंक सॉल्यूशन की PDF डाउनलोड कर लीजिए। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। ओके, तो चलिए पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं कि आपके रसायन शास्त्र के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो देखने जा रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस क्या है रसायन शास्त्र का। ओके, तो देख लेते सिलेबस में आपके क्या क्या रहने वाला है। तो आपके देखिए इतने चैप्टर आने वाले हैं, टोटल 10 दिए गए हैं। विलयन, विद्युत रसायन, रसायनिक बलगति, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, उपसहसंयोजी यौगिक, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड किनोल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन और जैवाणु। ये आपके 10 चैप्टर आपके रहने वाले हैं टोटल। ओके, इसमें आपके देख लीजिए अब कौन कौन से चैप्टर नहीं आने वो बता रहा हूँ। तो आपके कौन कौन से हैं, आपको दोस्तों अध्याय ये आपका जो है अध्याय आप किताब में देखेंगे तो अध्याय 4 दिया है आपका रासायनिक बल गति की, ये आपको तैयार बिल्कुल नहीं करना है। ये इसलिए नहीं करना क्योंकि ये दिसंबर के सिलेबस में दिया हुआ है, इसके बाद आपको तैयार नहीं करना है एमीन। ये तो ये आपको ये आपके दो चैप्टर आपको तैयार नहीं करना, बाकी आपको सभी चैप्टर तैयार करने हैं। ओके दोस्तों, मैं आपको जूम कर देता हूँ जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो आप देख लीजिए आपको केवल एमीन और रासायनिक बल गति, ओके दोस्तों, ये आपको ये चैप्टर बस आपको तैयार नहीं करना, ये दो चैप्टर तैयार नहीं करना है, बाकी रसायन शास्त्र में की बुक में आपके जितने भी चैप्टर हैं सभी आपको तैयार करने हैं। ओके, केवल एमीन और रासायनिक बल गति वाला चैप्टर तैयार नहीं करना है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे आपके सिलेबस क्या रहना, बाकी आपके सभी चैप्टर आने वाले हैं। तो आपको मैं बता दूं आपको ब्लू प्रिंट के हिसाब से पढ़ना है क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा को ज्यादा फोकस करना है। ओके, तो जैसे भी लगभग आपके पूरे चैप्टर आ रहे हैं, एक आध दो चैप्टर आ रहे हैं, तो उससे आपको ब्लू प्रिंट का हिसाब नहीं बदलेगा। ओके दोस्तों, एक आध दो क्वेश्चन बस होंगे ज्यादा ज्यादा। ओके, तो इसलिए आपको पूरा ब्लू प्रिंट के हिसाब से पढ़ना है। तो मैं आपको क्रम से आपके टिक लगवाते जाऊंगा। ओके दोस्तों, कि आपको हर चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को ध्यान से रखिएगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले अपन विलयन की बात करते हैं। तो विलयन में दोस्तों आपको अभी वैकल्पिक क्वेश्चन आप स्वयं पढ़िए क्योंकि काफी सारे हैं, आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे। मैं कुछ इसमें नहीं हो सकता कि मैं आपको इंपॉर्टेंट बता सकूं, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और 5 नंबर वाले। तो चलिए विलयन में आपको देखिए विलयन वाले जो चैप्टर है आपका अध्याय 2, ओके दोस्तों, इसमें आपका केवल 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना हो, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना हो। चलिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो ये आपका विलयन वाला चैप्टर। ओके दोस्तों, तो इससे चलिए अपन 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपका है दिया है, तो ये आपके 2 नंबर क्वेश्चन मतलब अति लघु उत्तरी वाले प्रश्न अपने। तो आपको पहले तैयार कर लेना है विलयन किसे कहते हैं, नॉर्मल वाली परिभाषा आपको दी है, तो विलयन किसे कहते हैं ये आपको तैयार करना है। सांद्रता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण कीजिए, ये आपको तैयार करना है। इसके बाद आपको तैयार करना है समपरासी विलयन किसे कहते हैं, तो ये आपको तैयार कर लेना है। मोलरता एवं मोललता के इकाई सहित परिभाषा कीजिए। ओके दोस्तों, आपको परिभाषा बतानी है, ये आपको तैयार कर लेना है मोलरता और मोललता की परिभाषा। साथ ही आपको दोस्तों मोलरता और मोललता का क्या है आपको अंतर तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेनरी के नियम को उदाहरण से समझाइए। ओके दोस्तों, हेनरी के नियम को आपको उदाहरण से समझाना है, ये आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको देखते ही जा रहे हैं, तो आप देखते चलिएगा। ओके दोस्तों, और अभी आके आपके पास PDF नहीं है अगर क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की, तो आप वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कीजिए। मैंने क्या है लगभग सभी मटेरियल प्रोवाइड करा दिए, परीक्षा बोर्ड भी प्रोवाइड करा दिया है, परीक्षा दिन भी आपको PDF दे दी है, प्रश्न बैंक सॉल्यूशन की भी दे दी है। वो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको धीरे धीरे करके बताते जाऊंगा। इसके बाद आपको तैयार करना है अनुसंख्या गुण धर्म को उदाहरण से समझाइए, क्वेश्चन तैयार करना है। ओके, इसके बाद आपको ये क्वेश्चन जरूर लगा लेना है। ओके दोस्तों, इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं अलग टाइप से। ओके, संख्या बदल दिया गया लेकिन टाइप इसी प्रकार से रहिएगा। 2 नंबर में क्वेश्चन में आपका 2 नंबर में आ सकता है, इसलिए इसे भी तैयार कर लेना है। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो आगे आपको तैयार कर लेना है परासरण एवं परासरण दाह को परिभाषित कीजिए। तो अभी तक जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया ये दोस्तों आपके 2 नंबर दे। ओके दोस्तों, 2 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देख लेते हैं 3 नंबर में, क्योंकि इस चैप्टर से आपके पास दोस्तों 2 नंबर का आना है, 3 नंबर का क्वेश्चन आना है। 3 नंबर में देख लीजिए, 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा पहला सबसे इंपॉर्टेंट है राउट के बास दाहों का अवनमन नियम लिखिए और राउट के नियम की सीमाएं लिखिए। तो ये आपका ये पूरा दिया हुआ सॉल्यूशन, तो आप इसे क्या है देख सकते हैं, ये पूरा आपका दिया हुआ है। ओके दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ बस आप उसे क्या है ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए आपको ये तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको 3 नंबर में तैयार कर कौन कौन से करना है, तो वो भी देख लीजिए। इसके बाद आपको करना है आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही होंगे। तो आदर्श एवं अनादर्श विलयन में आपको अंतर तैयार कर लेना है। ओके,
और एक और क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अंतर में एक आपका आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन में अंतर हो गया। एक और इंपॉर्टेंट है मोलरता और मोललता में अंतर, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये तीन नंबर में आपसे पूछे, ये दो क्वेश्चन हो गए और एक आपको तैयार करना है राउट्स के नियम के बाद। ओके दोस्तों, राउट्स का नियम, वास्पदाब अवनमन का नियम और राउट्स के नियम की सीमाएं, तो राउट्स के नियम वाला आपको पूरा तैयार कर लीजिएगा। ओके चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट अपन चैप्टर आ जाता है विद्युत रसायन। तो विद्युत रसायन से आपको देख ली ब्लू प्रिंट के हिसाब से आपका कौन कैसे रहने वाला है। तो ब्लू प्रिंट के हिसाब से इसका वर्गीकरण किस प्रकार से अंकों का, इसमें आपको केवल एक दो नंबर का क्वेश्चन आना है, एक पांच नंबर का क्वेश्चन का आना है। ओके दोस्तों चलिए पहले दो नंबर का अपन देख लेते हैं। तो आपको दो नंबर में कौन कौन से तैयार करने हैं, तो पहले आपको तैयार कर लेना है कोलरास का नियम और संक्षारण किसे कहते हैं, ये आपको दो तैयार कर लेना है। ओके दोस्तों कोलरास का नियम और संक्षारण को आपको तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद आपको क्या है संक्षारण किसे कहते हैं ये तैयार करना है, ओम का नियम आपको से तैयार कर लेना है। ओके अब दोस्तों आप देख लेते हैं पांच नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन रहने वाले, कि दो नंबर के ज्यादा नहीं है, तीन चार बस हैं आपके। ओके दोस्तों इन्हीं में से एक ना एक आपको देखने को मिल जाएगा। पांच नंबर में आपको तीन से चार तैयार कर लेते हैं, अगर दोस्तों मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ पांच नंबर में। ओके दोस्तों तो तीन से चार क्वेश्चन बताऊंगा इस चैप्टर से विद्युत रसायन से, और ये तैयार कर लेते हैं तो गारंटी के साथ दोस्तों आप पेपर में पांच नंबर पक्का कर लेंगे, अर्धवार्षिक में, प्री बोर्ड में, बोर्ड परीक्षा में। ओके दोस्तों तो आपके पांच नंबर पक्का आप लेके चलेंगे, इसलिए इन्हें तैयार जरूर करिएगा। ओके तो ये आपका कोलरास का नियम क्या है इसके अनुप्रयोग लिखिए, आप देख भी सकते हैं बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुका है। ओके दोस्तों एक ना एक साल छोड़ के आता रहता है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन रट लेना है। ओके दोस्तों पांच नंबर के लिए इसके बाद आपको तैयार कर लेना है कौन सा, आगे मैं आपको दिखा देता हूं। इसके बाद आपको दोस्तों ये तैयार करना है विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता एवं आणविक चालकता का सूत्र एवं इकाई लिखिए तथा इन पर तनुता का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। ये दोस्तों दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दी पांच पांच नंबर के। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपको दोस्तों तैयार कर लेना है कौन सा, डैनियल सेल का नामांकित चित्र बनाइए, डैनियल सेल में होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया। तो तीन क्वेश्चन हो गए आपके। ओके दोस्तों पांच पांच नंबर के भी अपन बात कर रहे हैं। ओके इसके बाद आप ये क्वेश्चन जरूर देख लें, आपके कोलरास का नियम तो आपको तैयार कर लिया गया हुआ, ये कि आपको क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा तो आपको अप्लाई करना सीख लेना है। ओके मैं अभी आपको तीन क्वेश्चन बता दिए पांच पांच नंबर के, इसके बाद आपको दोस्तों तैयार कर लेना है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यह कैसे बनाया जाता है, इसकी दो सीमाएं लिखिए। ओके दोस्तों ये आपको मैं चौथा क्वेश्चन बता दी, पांच पांच नंबर के चार क्वेश्चन है और एक और आपको क्वेश्चन रहने वाला है। ओके संचारण वाला ये है दोस्तों कि संचारण किसे कहते हैं, संचारण को प्रभावित करने वाले कारक तथा संचारण से बचने के उपाय बताइए। तो मैंने आपको पांच क्वेश्चन बताए, अगर इन पांच क्वेश्चन को तैयार कर लेते तो गारंटी के साथ आप पेपर में ये पांच नंबर अपने पक्का कर लेते, क्योंकि आपको पांच में से पांच क्वेश्चन है तो पांच ही में से आपको हर साल एक ना एक बदल के आते रहते हैं। ओके दोस्तों इसलिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए 10 साल उठा के, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कितनी सच्चाई बता रहा हूँ। ओके तो ये आपको पांच तैयार कर लेना, पांच पांच नंबर के क्वेश्चन के तैयार के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं, इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट आता है रासायनिक बलगति की, तो ये मैंने आपको बता दी कि आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में नहीं आना है। ओके दोस्तों तो आपको ये बिल्कुल भी तैयार नहीं करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, चलो इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इससे केवल आपका तीन नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है, तो तीन नंबर वाले आपको क्वेश्चन आएगा, तो तीन नंबर वाले अपन देख लेते हैं। ओके तो ये आपका डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, तीन तीन नंबर वाले, मैं तीन से चार क्वेश्चन बताऊंगा बस आपको उन्हें पढ़ना है, तो गारंटी के साथ उसमें से आपकी एक ना एक आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों मैं जो आपको बता रहा हूँ मैं तीन साल से आपको मैंने पेपर के बहुत एनालिसिस किए हैं। ओके दोस्तों तब मैं इन सब चीज़ों से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको ये सब इतनी आसानी से बता सकता हूँ। ओके तो चलिए मैं आपको बता दूँ, तो पहले आपको तैयार कर लेना है लैंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर, अभी पिछली बोर्ड परीक्षा में आया था ये दोस्तों। ओके तो बहुत ही ज़्यादा हाई चांस रहेंगे और यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके तो जो एग्जामिनर है उसको सबसे पहले इस चैप्टर से यही क्वेश्चन उन्हें याद आ जाता है, तो इसलिए वो दे देते हैं लैंथेनाइट और एक्टिनाइट में आपका अंतर। ओके दोस्तों तो लैंथेनाइट एक्टिनाइट में आपको अंतर तैयार कर लेना है, एकदम चार से पांच एकदम रट के जाइएगा। ओके दोस्तों एक और फिर आपको क्वेश्चन तैयार करना है, वो है आपका लैंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं, इसके कारण एवं परिणाम लिखिए। ओके दोस्तों तो ये आपको ये तैयार करना, तो ये दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और क्वेश्चन बस इसी से देख लीजिए, तीन क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा यही आपको तैयार करना है। ओके दोस्तों फिर आपको तैयार करना है संक्रमण तत्वों की निम्न गुणों की व्याख्या कीजिए, परिवर्ती संयोजकता, रंगीन आयनों का निर्माण, चुंबकीय गुण। तो ये मैंने आपको तीन क्वेश्चन बताए हैं, इन तीनों क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो पक्का इनमें से एक तीनों में से आपको एक ना एक आपको पेपर में आने वाला है, जिससे आप क्या तीन नंबर अपने पक्के कर सकते हैं। ओके मैं आपको पता है जो आप वीडियो देख रहे हैं क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपने क्या पूरी गहराई से ध्यान नहीं कर पाए हैं। ओके दोस्तों तो इसलिए मैं आपको वही वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके क्या है हाई चांस है पेपर में आने के। चलिए नेक्स्ट आने वाला है उपसह संयोजी योग। ओके दोस्तों चलिए इसका भी अंक विभाजन देखते हैं अपन ब्लू प्रिंट के हिसाब से, तो इसका अंक विभाजन है आपके मतलब इससे दो दो नंबर के दो क्वेश्चन आने, दो दो नंबर के इतने क्वेश्चन आने हैं, दो नंबर के आने हैं। ओके तो चलिए मैं आपको उसमें छह से सात क्वेश्चन बताऊंगा जिन्हें आपको रट के जाना है पेपर में। ओके तो चलिए देख लेते हैं फिर कौन से क्वेश्चन है, तो आपको पहले तैयार करना है संकोल योगिक किसे कहते हैं, द्वि लवण किन्हें कहते हैं। ओके दोस्तों ये बिल्कुल क्रम से इंपॉर्टेंट दी है, द्वि लवण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको एकदम तैयार करके जाना है, जूम कर देता हूं जिससे आपके यहाँ आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले सके आसानी से। ये हो जाता है द्वि लवण किसे कहते हैं, ये उदाहरण दिया हुआ है। इसके बाद आपको तैयार कर लेना है लिगेंड किसे कहते हैं। ओके दोस्तों
लिगेंड आपको तैयार करके जाना है, फिर इसके बाद आपको तैयार करना है क्लेट क्या है, ये आपको चार क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। और दोस्तों इसके बाद एक और 100% वो उसका तो फिक्स रहेगा, 100% आपका पेपर में आने वाला है, इनका तो है ही है। इसके बाद एक और आपका 100% वाला है, वो है आपका ये वाला क्वेश्चन, कौन सा कि निम्नलिखित उप सह संयोजी यौगिक की IUPAC नाम लिखिए। इसमें दोस्तों आपको क्या है, उप सह संयोजी यौगिक के दिए जाएंगे सूत्र जिनके आपके क्या है IUPAC नाम बताना है, ये जरूर तैयार कर लीजिएगा आप दोस्तों, इसके सूत्र नियम तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों क्योंकि आप रट नहीं सकते हैं कि बहुत सारे कोई भी आपको दिया जा सकते हैं, केवल आएंगे आपके पेपर में दो आने, ओके, तो ये आप प्रैक्टिस कर पाएंगे तभी आएंगे, ये आपके दिए हुए हैं तो इनके IUPAC आपके नाम बताने पड़ते हैं। देखिए इस प्रकार से ये पूरे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ओके दोस्तों, तो इनके आपके क्या है IUPAC आपको नाम बताने पड़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या है, निम्नलिखित उप सह यौगिकों के सूत्र लिखिए। तो अब आपको क्या है, ये पहले से पूरा आपको लिख देगा, अब इसके बाद आपको इसके सूत्र बताने हैं। इसमें उल्टा क्रम इसने चला दिया है, ये आप देख सकते हैं ये दिए हुए, तो ये क्वेश्चन आपको एकदम तैयार करके, जैसे क्योंकि ये 100% होता है, आप अभी से 5 साल के पेपर उठाएंगे तो ये पक्का आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ओके दोस्तों, मतलब ये क्या है फिक्स क्वेश्चन है, इनलिए इस क्वेश्चन को तैयार करके जरूर जाइए, सभी इनके लगा लीजिएगा, ओके दोस्तों, उनके बाकी इनके नियम भी सीख लिए कैसे इनका अपन कन्वर्ट करते हैं, ओके दोस्तों, तो ये आपके हो जाते हैं। तो बस आपके यही क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं, 4 से 5 क्वेश्चन है, ओके दोस्तों, तो इस प्रकार ये अपना ये चैप्टर भी क्या है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे हेलो एल्केन और हेलो एनिन, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो काफी लंबा हो चुका है, ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों क्या है, अनुराग साड़ी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे अनुराग साड़ी क्लासेस अच्छा अर्धवार्षिक परीक्षा प्री बोर्ड बोर्ड परीक्षा में सभी में आपकी सहायता कर सके। और दोस्तों अगर दोस्तों आप क्या है आपके है केमिस्ट्री के फिजिक्स के हिंदी इंग्लिश के ऑल चैप्टर PDF नोट चाहते हैं तो 90 39 53 44 79 पर आपको क्या है व्हाट्सअप कर देना है, तो मैं आपको क्या है पेड ऑल चैप्टर PDF नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ओके दोस्तों, केवल आपको 150 रुपये में ऑल चैप्टर PDF नोट्स दिए जाएंगे, ओके, तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।